इसका आखिरी 27 नंबर का जो वचन है कि 26 और 27, कहूं कहा बहुत कही, यही बात है सही। यानी अब तक जो वर्णन किया उसमें सारा वृतांत खोलकर सुना दिया और बता दिया, और जो बताया है ये अटल सत्य है, इसमें बाल बराबर भी फर्क नहीं हो सकता कि सूरत जिन जिन घाटों से गुजर के मालिक के चरणों में समाती है। जन्म जन्म भूल रही, चरण धूल धार ले। आज से पहले अगर मुझे भेद पता लग गया होता तो मैं यहाँ ना होता, सूरत यहाँ ना होती। जन्म जन्म से भूल में पड़ी रही और ये भेद नहीं मिला, अब मिला सो मालिक की ये चरण की धूल सर पे धारण कर ली। यानी सच्चे और पूर्ण हृदय से मालिक की शरणों में सूरत आ गई। करम भरम, फोकस ठीक करना पड़ेगा। करम भरम सभी बही राधा स्वामी गई, और जब ये भूल की समझ आ जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई और वापस लौट के मुझे कहाँ जाना है, तो करम भरम सब बह गए। यानी सत्संग में कर्म कटे और भ्रम दूर हो गए। और राधा स्वामी गाइए, यानी कुल का सार राधा का स्वामी और राधा के स्वामी का भेद मिलने के बाद राधा स्वामी में समा गई। राधा स्वामी गाइए, लाओ अब प्रेम प्रीत सत्संग में धरो चीत। सो जब ये समझौती मिल गई और समझ में बात आ गई, तो यह हम जानते हैं कि इस मार्ग पर प्रेम और प्रीत का मार्ग है। बिना मालिक से सच्चे प्रेम और सदगुरु से सच्ची प्रीत के इस मार्ग पे नहीं बढ़ा जा सकता। लाओ अब प्रेम प्रीत सत्संग में धरो चित, और मालिक से प्रेम और सतगुरु से प्रीत का भाव रखते हुए सत्य के संग को हासिल करने में एकाग्रचित होकर जीव को लग जाना चाहिए। जब यह बात समझ में आ गई है सो सत्संग में धरो चित, यानी सत्य के संग में एकाग्रचित होकर लगना चाहिए। सत्संग का अर्थ सत्य का संग, जहाँ मालिक की चर्चा, महिमा, समझौती, घर का पता, घर तक जाने का रास्ता, इसकी चर्चा हो, वही सच्चा सत्संग है। ये अगले पिछलों की किस्से कहानियां सत्संग नहीं है। ये एक प्रेरक इतिहास है, पिछलों के किस्से कहानियां प्रेरक इतिहास, जिसकी जानकारी से हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह पैदा होता है। इससे अधिक इनका पिछले किस्सों का महत्व नहीं है, पर ये महत्व भी कम नहीं है। जबकि हम पिछले दौर को सुनकर पढ़कर उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और हमें हिम्मत आती है आगे बढ़ने की। वहाँ तक यह पिछलों के किस्से कहानियाँ भी अपना महत्व रखते हैं, पर वहीं तक। पाओ फिर सत्य रीत, गाओ यह अगम गीत, और सत्संग में सद्गुरु और मालिक से प्रेम प्रतीत
और प्रीत के द्वारा यह सत्य पथ की रीत यानी जतन और जुक्ति की प्राप्ति होती है। और इस जतन और जुक्ति की रीत की प्राप्त करके गाओ यह अगम गीत, यानी इस अगम गीत में जिस जिस मुकाम और जिस जिस घाट पर जैसे जैसे चढ़ाई का सूरत की वर्णन किया है, उस अगम गीत को गाने का अर्थ है कि सूरत उन ऊंचाइयों को हासिल करे। बाजी यह लेव जीत, जग में कोई नहीं मीत, और इस तरह यह बाजी जीत लो यानी अपने धुर धाम निज घर वापस पहुंच जाओ। यही बाजी का जीतना है जहां से उतर के सूरत आदि में आई है। वापस उस मुकाम को हासिल करना ही बाजी को जीतना है। बाजी यह लेव जीत, जग में नहीं कोई मीत, यह जगत नाशवान और उसका हर असबाब नाशवान है। जो आज मेरा है वो कल तेरा है, तो यहाँ कुछ भी स्थाई नहीं है। पल पल परिवर्तन, जो अब है वो तब नहीं है। तो जग में कोई मीत नहीं है, सच्चा साथी नहीं है। सच्चा साथी और मीत वही है जो अंग संग है। और यह वचन मालिक का है कि मैं सब के अंग संग हूँ। तो सिवाय मालिक और उनकी छाया, उनके स्वरूप सद्गुरु के, इस मार्ग में कोई सच्चा मीत नहीं है जो इस पूरी यात्रा में जब तक सूरत अपने निज घर ना पहुंच जाए साथ निभाता है। क्योंकि जगत तो यहीं छूट जाता है। मेरी तो कर पड़ती दिया सब बुझाई, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। मेरी तो कर पड़ती, मैं कौन प्रेजेंट हो जाए, पर किसी पॉइंट से तो शुरुआत होनी है ना। वो पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। शुरुआत हो जाए बढ़ाएगा तो मालिक अपने आप, और शुरुआत भी मौज से होगी। जब तक मौज नहीं तब तक शुरुआत नहीं, और शुरुआत हो गई तो काल उसे रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर मालिक को उसे आगे ना बढ़ाना होता तो उसके शुरू होने की मौज ही ना होती। सिर्फ बढ़ते कहाँ जाना है वो जाना, कैसे जाना है वो दे जाएगा। हमको तो सिर्फ यस मैन बन के मालिक का बढ़ना है। बढ़ाने वाला भी वही, पहुँचाने वाला भी वही, बढ़ने की प्रेरणा देने वाला भी वही, और यह करनी में आप करवा।